यूपी से बिहार आकर अपने पढ़ाने के अंदाज से सबके मन पर छा जाने वाले खान सर को तो आप जानते ही होंगे। हर कोई उनके पढ़ाने के तरीके का मुरीद है। टना के रहने वाले खान सर यूट्यूब पर सबसे चर्चित शिक्षक हैं। हर कोई उनको उनका देसी अंदाज और उनके सहजता के लिए उन्हें पसंद करता है। उनकी एक एक वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं और शेयर भी करते हैं। अपने देसी और सहज अंदाज में पढ़ाने के तरीके के चलते ही खान सर सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी इसी सफलता की राह इतनी आसान नहीं रही है। अब हर कोई ये जानने को बेताब है कि आखिरकार खान सर कौन है और ये अपने पढ़ाने के अंदाज से इतने फेमस क्यों है। सबसे पहले बता दें कि इनको हर कोई खान सर के नाम से जानता है, लेकिन इनका पूरा नाम फैजल खान है। हालांकि उनके नाम को लेकर कुछ समय पहले तक कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। खबरों के मुताबिक बताया गया था कि उनका नाम अमित सिंह है। सेना में भर्ती का अवसर गंवाने के बाद खान सर ने आगे की पढ़ाई जारी रखी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई पूरी की। और उनके असली नाम को लेकर भी काफी मतभेद रहा है। कोई उनका असली नाम फैजल खान तो कोई अमित सिंह बताता है। हालांकि उनका असली नाम फैजल खान है। 1993 में गोरखपुर में जन्मे खान सर के पिता नौसेना में अधिकारी थे। बड़े भाई भी सेना में थे और वो खुद भी वहीं जाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाए। बचपन से ही खान सर की अध्ययन में रुचि रही और इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी तक की पढ़ाई की। आपको बता दें कि खान सर की सफलता के पीछे उनका सरल स्वभाव और उनकी कड़ी मेहनत रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार खान सर सुर्खियों में कैसे आए। खबरों के मुताबिक पटना आने पर सबसे पहले उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था जो नहीं चल पाया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और यूट्यूब पर खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से एक चैनल खोल लिया। कोरोना काल में भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया था और उस दौरान उन्होंने खान सर की अलग अंदाज वाली वीडियो देखी। इसके बाद खान सर हिट होते चले गए। बता दें कि यूट्यूब चैनल पर खान सर के करीब 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वो बड़ी ही सरलता और गहन रुचि के साथ करेंट अफेयर्स और जीएस के टॉपिक समझाते हैं, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। खान सर स्वभाव से काफी मजाकिया किस्म के इंसान भी है। पढ़ाई लिखाई के दौरान भी उनकी यही खासियत झलकती है। छात्र छात्राओं को टॉपिक समझाने में वो मजाक का भी जमकर सहारा लेते हैं। कठिन से कठिन टॉपिक खान सर हंसते हंसाते लोगों को समझा देते हैं और खान सर का यही अंदाज कुछ समय पहले विवाद का कारण भी बन चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने पुराने वीडियो के आधार बनाकर उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर डाली थी। ये वीडियो खान सर की क्लास से संबंधित बताया गया था, जिसमें वो बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे थे। उन्होंने सुरेश और अब्दुल नामक 2 काल्पनिक पात्रों का सहारा लिया था और अपने वीडियो में खान सर ने कहा था कि सुरेश ने जहाज उड़ाया और अब्दुल ने जहाज उड़ाया। इन दोनों बातों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। लोग समझ सकते हैं कि सुरेश ने जहाज को आकाश में उड़ा दिया जबकि अब्दुल ने जहाज में विस्फोट करा दिया। हालांकि खान सर ने हास्य व्यंग का इस्तेमाल कर दोनों बातों को समझाने की कोशिश भी की थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।